हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नीरज ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपको व्हाट्सएप की टॉप 5 सीक्रेट सेटिंग के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मोबाइल तो आप सब यूज़ करते होंगे और व्हाट्सएप जाहिर सी बात है आप यूज़ करते होंगे, तो ऐसे में मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग बताऊँगा जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। दोस्तों, मैं ऐसी ऐसी सेटिंग आपके लिए बताऊँगा जो आपको व्हाट्सअप यूज़ करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों, देखते रहिए नीरज ऑनलाइन क्लासेस, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहली सेटिंग का नाम है स्टेट ऑफ प्राइवेसी। इसे अप्लाई करने के लिए आपको व्हाट्सअप में जाना होगा, जाहिर सी बात है। तो चलिए चलते हैं। व्हाट्सअप में आने के बाद आपको स्टेटस पर क्लिक करना, फिर थ्री डॉट पर क्लिक करना। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद स्टेट ऑफ प्राइवेसी में जाना, फिर आपको तीन ऑप्शन आएंगे, माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट ओनली शेयर विद मी। अगर आप पहले पे क्लिक मतलब सेट करेंगे तो आपके कॉन्टैक्ट को ही आपका स्टेटस दिखाई देगा, इसके अलावा और किसी को दिखाई नहीं देगा। दोस्तों, अगर दूसरे सेट करेंगे, जिन जिन नंबर के सामने आप क्लिक करेंगे उनको ही आपका स्टेटस दिखाई नहीं देगा। दोस्तों, अगर चौथे पे सेट करेंगे आप, तो जिन जिन नंबर के सामने आप क्लिक करेंगे उनको स्टेटस आपका दिखाई देगा, इसके अलावा और किसी को दिखाई नहीं देगा। तो आप दोस्तों व्हाट्सएप में सेटिंग आप कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो। दूसरी सेटिंग का नाम है ब्लू टिक हाइड। दोस्तों, कई हमारे दोस्त हैं जो ब्लू टिक को हाइड करना चाहते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ब्लू टिक हाइड होता क्या, जिसे नहीं पता। जी देखिए दोस्तों, ये मैसेज के एंड में आ रहा है ब्लू कलर का, ये हाइड होता है, इसे ब्लू टिक हाइड कहते हैं। ब्लू टिक कहते हैं मतलब हाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आपको हाइड करने के लिए आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, फिर सेटिंग में जाना, अकाउंट में जाना, इसके बाद आपको प्राइवेसी में जाना, इसके बाद आपको ये रेड रिसीव का ऑप्शन होगा तो आपको इस पर क्लिक कर देना, तो आपका ये हाइड ऐसा आएगा क्लिक, तो आपको इसे अनटिक करना। सही है दोस्तों, इसे अनटिक करना, खाली बॉक्स छोड़ देना है। इसे मेरे पहले से ऑन था इसलिए, तो आप कर सकते हैं इसे खाली छोड़ना। सही है। तो आपको अब तीसरी सेटिंग का नाम है दोस्तों, हमें दिन भर में कई मैसेज आते हैं तो और सबकी एक ही टोन बजती है, और आप चाहते हैं आपका कोई फैमिली मेम्बर है या दोस्त है उसकी अलग टोन बजे, तो आप ये कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फ्रेंड को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपको ये ओपन नाम जो लिखा होता है यहाँ पे क्लिक करना, फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करना, फिर आपको ये नोटिफिकेशन टोन में जाना। सॉरी दोस्तों, ये आपको ऐसा इंटरफेस नहीं होगा, आपका ऐसा होगा, मैं दिखा देता हूँ ऐसा। तो आपको यूज़ कस्टम नोटिफिकेशन पर क्लिक करना, मेरा अप्लाई था इसलिए ऐसा आया। तो आपको नोटिफिकेशन टोन में आना, इसमें जाने के बाद आपको टोन आ जाएंगी, तो आप नोटिफिकेशन टोन कोई ला सकते हैं अपने फ्रेंड के लिए। अब और दोस्तों, आप म्यूज़िक लाना चाहते हैं, म्यूज़िक भी लगा सकते हैं प्लस के आइकन पे जाकर, ये राइट साइड में आ रहा है। दोस्त, चौथी सेटिंग का नाम है हाइड मीडिया। दोस्तों, कई दोस्त हमारे हाइड मीडिया करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं बता देता हूँ हाइड मीडिया होता क्या है। जैसे कोई हमें वीडियो भेजता है, इमेज भेजता है, अगर आप चाहते हैं ये गैलरी में मतलब सेव ना हो तो आप ही कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने फाइल मैनेजर में आना, चलिए चलते हैं, फिर स्टोरेज में जाना, फिर व्हाट्सएप का फोल्डर सेलेक्ट कर लेना, चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको मीडिया में आना, आप वीडियो हाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इस पर प्रेस करना, फिर रीनेम मोड पर क्लिक करना, फिर रीनेम पर क्लिक करना, फिर आपको स्टार्ट में ये लगा देना, पॉइंट लगा देना स्टार्ट में, आपका हाइड हो जाएगा, ओके कर देना। तो ऐसी इमेज कर सकते हैं आप, जैसे मैंने वीडियो करी, तो आपको अगर ये वापस लाना तो आप कर सकते हैं, थ्री डॉट पर क्लिक करना, शो हिडन फाइल पर क्लिक करना, तो ये शो होने लगेगी। चलिए दोस्तों, मैं देख लेता हूँ, ये है कि मेरी वीडियो, तो फोल्डर मेरे, तो आपको इस पर क्लिक करना, प्रेस करना मतलब, और मोर पर क्लिक करना, फिर रीनेम पर क्लिक करना, फिर आपको ये शुरू में जो ऑप्शन है ये हटा देना, मतलब ये डॉट जो हटा देना और ओके कर देना, आपकी शो होने लगी। दो चौथी सेटिंग का नाम है टैग पीपल इन ग्रुप। इसके अप्लाई करने के लिए आपको इसमें जाना है, अपने आपका कोई ग्रुप, फैमिली ग्रुप, फ्रेंड ग्रुप है तो आप जा सकते हैं। दोस्तों, मैं इसके यूज़ बता देता हूँ। इसका यूज़ है
जैसे आप जानना चाहते हैं हमारे फैमिली ग्रुप में या फ्रेंड ग्रुप में कितने मेंबर हैं, तो आप पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको टाइप करना है @, फिर आपके सामने जितने भी मेंबर होंगे सब आ जाएंगे। अगर आपको मैसेज करना है किसी को, आप कर सकते हैं। आपको उसके नाम पर सेलेक्ट करना, नाम पर क्लिक करना है, फिर आपको कुछ भी क्लिक देना या फिर मैसेज सेंड कर देना, आपका दोस्त समझ जाए। दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।